Welcome to class 1 पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पहला पाठ वंदना कविता को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चित्रों को देखेंगे। इस चित्र में हम सूरज देख रहे हैं, पेड़ पौधे को देख रहे हैं, तितली देख रहे हैं, बतख देख रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, रंग बिरंगे फूलों को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं दो बच्चे आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे चीजों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। अब हम लोग कठिन शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे वंदना, प्रार्थना, विनती करना या पूजा करना। ईश ईश्वर, शीश सिर, गुण बड़ाई, सूरज सूर्य, चांद चंद्रमा, फूल पुष्प सुमन, चिड़िया पक्षी पंछी, महकाया खुशबू देना, चहकाया चिड़ियों की आवाज, जगत संसार। अब हम इस कविता को भाव और लय के साथ पढ़ेंगे। हे इस सिर झुकाते हैं हम, हाथ जोड़ गुण गाते हैं हम, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने फूलों को महकाया, तुमने चिड़ियों को चहकाया, तुमने सारा जगत बनाया। हे इस सिर झुकाते हैं हम, हाथ जोड़ गुण गाते हैं हम। अब इसके सारांश को हम जानेंगे। हे इस सिर झुकाते हैं हम, हाथ जोड़ गुण गाते हैं हम। हम ईश्वर के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं कि आगे हम देखेंगे, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने फूलों को महकाया। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने सूरज और चांद को बनाया है और फूलों में खुशबू दी है, तुमने चिड़ियों को चहकाया, तुमने सारा जगत बनाया। हे ईश्वर, आपने रंग बिरंगे चिड़ियों को बनाया है और सबकी आवाजें अलग अलग है, सुरीली है, और सारा संसार को बनाया है। हे इस सिर झुकाते हैं हम, हाथ जोड़ गुण गाते हैं हम। हे ईश्वर, आपके आगे हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपकी वंदना करते हैं और आपकी अर्चना करते हैं। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप इस कविता को समझ गए होंगे और आपको वेबसाइट पर शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। उसको आप वर्क कार्य कॉपी में पहले वंदना शीर्षक लिखना है और शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखकर उसका उत्तर देंगे और स्टेप बाय स्टेप सुंदर से लिखकर दिखाएंगे। धन्यवाद।